दोस्तों आज मैं कुछ इस तरह की वीडियो को बनाकर दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझे। दोस्तों आपने जब भी नेमाड वाला वीडियो देखा, इस तरह की नेमाड वाली वीडियो को आप बड़े ही आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार की नेमाड वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दोस्तों इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइनमास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखे जिसमें आपको ये प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इसको दबा देना है और 16 नौ का रेशो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है जिसका लेंथ 10 सेकेंड या 12 सेकंड के करीब कुछ कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ PNG और वीडियोस का लिंक दूंगा, सिंपली आपको जाना है वहाँ से डाउनलोड करके लाना है। तो सिंपली मैं PNG को लेके आता हूँ, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पहले PNG को लेके आना है। तो दोस्तों ये हमारा पहला PNG है, इसे सिंपली इसे खींच कर इस तरीके से बड़ा कर देना है वीडियो के अनुसार और इस साइड में खींच के यहाँ पे इस साइड में लेके चले आना है। इसे हल्का सा बड़ा कर देना है, कुछ इस प्रकार कर देना है और इसे यहाँ पे इस तरीके से रख देना है, कुछ इस तरीके से रख देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें टेक्स्ट को ऐड कर लेना है, इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बैड बॉय अजय लिखा था तो मैं वही लिख लेता हूँ और इसे सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है, कुछ इस प्रकार बड़ा कर लेना है और इसके फॉन्ट को बदल देना है, जो दाहिनी तरफ डबल ये दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, डिस्प्ले में जाना है और ये वाला फॉन्ट ले लेना है। अगर दोस्तों आपके पास ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है तो ऊपर देखिए स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इसे बैक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है, कुछ इस प्रकार कर लेना है। उसके बाद दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, इसके शेडो को ऑफ कर देना है और इसके आउटलाइन पर क्लिक करना है और इसे वाइट कर देना है और इसे बैक करना है और इसे एनेबल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसे वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हमें इस पर कलर को ऐड कर देना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस कलर वाले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो है, कुछ इस तरीके से ये हमारा कलर वाला वीडियो है। इसे सिंपली जो हमारा फालतू का पार्ट है यहाँ से हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें रखना है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये कैंची में जाएंगे और ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देंगे और इसे खींच के इस साइड में कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसे दोस्तों ये कैची के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे और इसे फुल स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा दिखेगा, देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ये दिखेगा। उसके बाद दोस्तों एक और हमें बैकग्राउंड को ऐड करना है, इसके लिए जहाँ से हमारा दिख रहा है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है और लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और एक और वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा ये बैकग्राउंड वीडियो है, इसे सिंपली इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लेना है, इन एनिमेशन में जाना है और इसे फेड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये आता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, बाईं तरफ आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसके ऑपोजिट को कमा देना है, इसके लिए इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको जाना है, आपको अल्फा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके ऑपोजिट को कम कर देना है, इसके ऑपोजिट को इस तरीके से कम कर देना है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस तरीके की वीडियो को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए जो बाईं तरफ शेयर का बटन, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल की साइज़ को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के नेमार वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।